हेलो दोस्तों, आशा रखते हैं हर दिन की तरह आज भी आप अच्छा ही होंगे। मैं हूं अमिताभ चौधरी, आपका दोस्त, टीचर एंड गाइड, फाउंडर ऑफ डिजिटल अमिताभ डॉट कॉम एंड डिजाइन करियर एक्सपर्ट। सबसे पहले आज जिस विषय में हम बात करेंगे, जिस विषय में हम आज का कंटेंट लेने आने वाले हैं, दैट इज़ ई कॉमर्स के लिए हम आप किस तरीके से एक एड डिज़ाइनिंग कर सकते हो, जिसको आप ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर ई कॉमर्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं उन पर आप पब्लिश कर सकते हो। एक एडवर्टाइजमेंट बनाते समय आपको किस छोटे छोटे चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जस्ट फॉर एग्जांपल लाइक कॉल टू एक्शन क्या होता है, इसमें ऑफ़र क्या होता है, इस तरीके का चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इस पर्टिकुलर ई कॉमर्स एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने जो प्रोडक्ट चूज़ किया, दैट इज़ ऑल्सो ए यूनिक प्रोडक्ट, दैट इज़ इंडोर प्लांट्स। इंडोर प्लांट्स के ऊपर हम आज ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए एड बनाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा बीच बीच में, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि किस तरीके का कंटेंट आप मुझसे चाहते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा अंत तक देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि तभी आपको इस तरीके का अवेलेबल कंटेंट मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक नए साइज का प्लेटफॉर्म लेंगे। जो लोग नए हैं उनके लिए बता दें कि हम सोशल मीडिया के लिए स्क्वायर पिक्सल साइज में जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनके साइज लेते हैं। पर्टिकुलर इस डिज़ाइनिंग के लिए हम 1000x1072 रेजोल्यूशन के साथ 8GB कलर फॉर्मेट में हम एक फाइल लेते हैं। ये जो गाइड हम देख रहे हैं, दैट इज़ आवर कैनवास गाइड, जिसको हम सबसे पहले क्लियर करेंगे और हम एक न्यू गाइड लेआउट लेंगे जो कि चारों तरफ से मार्जिन है 50-50 पिक्सल का। ये हम एक एक्शन शेप एरिया हम बोलते हैं, उस हिसाब से हम ले रहे हैं ताकि हमारा पूरा कंटेंट जो है वो यहाँ पे जाए। उसके बाद हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर, सॉलिड बैकग्राउंड कलर चूज़ करेंगे। ये चूज़ करना ज़रूरी है कि नहीं पहले बाद में देखेंगे, फ़िलहाल के लिए हम एक चूज़ करते हैं एक लाइट कलर, क्योंकि हम जो इमेज वगैरह यूज़ करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। हम चले जाते हैं हमारे कंटेंट की तरफ। कंटेंट पे हमारे पास एक बैकग्राउंड के लिए इमेज है, एक हम लोगों के लिए एक PNG फाइल है, कुछ टेक्स्ट कंटेंट है और कुछ आइकन्स वगैरह हैं जिसको हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बैकग्राउंड को हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, जिसके ऊपर पूरा डिज़ाइनिंग बेस है। ये हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको कैनवास के साथ सिलेक्शन करके हम पूरा प्लेटफॉर्म में छोटा करके बिठा देते हैं। हमारा प्रोडक्ट इंडोर प्लांट्स है, तो ध्यान रखिएगा कि आपका प्लांट्स जो है वो विजिबल होना ज़रूरी है। आपका ये जो प्लांट्स है ये विजिबल होना बहुत ज़रूरी है, रेदर देन आपके बाकी चीज़ों के अलावा। तो यहाँ पे मेरा जो कंटेंट है इसको मैं थोड़ा और जूम आउट करूँगा ताकि मेरा जो प्लांट है वो थोड़ा विजिबल हो, बैकग्राउंड मुझे उतना विजिबल करना नहीं करना वो मेरे ऊपर नहीं है। हो गया ये मेरा एक बैकग्राउंड हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक छोटा सा एक डेमो लोगो बनाते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स के लिए हम एडवर्टाइज़ बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई कंपनी, ऑन बिहाफ ऑफ दिस कंपनी हम ये ऐड बनाएंगे। तो लोगो के लिए हम एक सिंपल PNG फाइल लेते हैं और कंपनी का नाम देते हैं, सपोज़ नेचर लवर ऐसा कुछ। तो इसको सबसे पहले डुप्लीकेट कर लेते हैं, ये मेरा आ गया। और पहले लिख लेते हैं कलर वगैरह, बाद में आप देख सकते हो। ये थोड़ा छोटा साइज है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं।
फ्लेवर, इसको हम थोड़ा सा कुछ अलग फॉन्ट देने की कोशिश करते हैं। ये मेरा एक अच्छा फॉन्ट हो गया, रेगुलर लेवल पे फॉन्ट हमारा देंगे। इसको थोड़ा परफेक्ट, लीडिंग को थोड़ा बढ़ाएंगे, फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा करेंगे, और ये जो लवर वाला पार्ट है इसका जो ट्रैकिंग पार्ट है वो हम थोड़ा बढ़ाएंगे ताकि ये दोनों सेम लगे। परफेक्ट, इसके बीच में गैप थोड़ा और कम हो सकता है, ये आपको थोड़ा जज करना पड़ेगा कि क्योंकि हालांकि हम एक डेमो लोगो बना रहे हैं मगर फिर भी थोड़ा सोबरनेस इसके अंदर आना चाहिए। 45, परफेक्ट, ये मेरा एक लोगो हो गया। लोगो के ऊपर इसको हम देंगे और ये आ जाएगा हमारा पार्ट दिस। परफेक्ट, एक लोगो हो गया, हालांकि ये डेमो लोगो है मगर फिर भी हमारा एक परफेक्ट लोगो हो गया। अब इसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये वाला पार्ट के ऊपर मेरा लोगो जो है वो सही दिख रहा है, ये मुझे लग रहा है, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसका ब्लेंडिंग मोड थोड़ा चेंज करूँगा, देखते हैं कि कौन सा ब्लेंडिंग मोड ये अच्छा लग रहा है जिसमें मेरा बैकग्राउंड भी विजिबल हो और मेरा जो लोगो पार्ट है वो भी विजिबल हो। परफेक्ट, एक मैंने ओवरले किया है, ओवरले तो मैं पहले करूंगा ओवरले, उसके बाद इसके मार्क्स वाले लेयर पे एक ग्रेडियंट लेंगे, लीनियर ग्रेडियंट लेंगे और इस तरीके का एक ग्रेडियंट देंगे ताकि क्या हो गया, मेरा ऊपर वाला पार्ट ओवरले हो गया, बैकग्राउंड मेरा दिख रहा है, ओरिजिनल कलर मुझे मिल रहा है, एक अच्छा सा ब्लेंडिंग मिला, मेरा लोगो भी समझ में आ रहा है। तो इस तरीके का चीज़ें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आप अपने डिज़ाइनिंग को और थोड़ा एनहेंस कर सकते हो। कलर में इसी के ऊपर लूँगा तो ये मेरा पूरा कलर थीम रहेगा। नेक्स्ट हम चले जाएंगे, मेरा लोगो हो गया, मेरा बैकग्राउंड हो गया, अब मैं इसमें काम करूँगा थोड़ा दूसरे तरीके से। तो उसके लिए मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले, ये मेरा शेप हो गया। शेप जो है, अब शेप का कलर जो है मैं थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का कलर चूज करूंगा, ताकि मेरा बैकग्राउंड के साथ थोड़ा कंट्रास्ट हो। कंट्रोल टी, उसके बाद हम करेंगे इसको रैप और डिस्टोर, देखते हैं किस तरीके से रैप करके इसको एक नए फॉर्म ऑफ देते हैं। कंट्रोल टी, फ्लिप हॉरिजॉन्टली और मेरा ये एक पार्ट रह गया। फिर से रैप, ये एक सिंपल सा, एक हल्का सा मेरा एक बैकग्राउंड डिजाइनिंग को एनहेंस करने के लिए, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम चले जाएंगे हमारे टेक्स्ट कंटेंट की तरफ, देखते हैं हमारा टेक्स्ट कंटेंट कैसा है। सबसे पहले एक हेडलाइन, आप
जो लोगो का फॉन्ट है वही फॉन्ट ले सकते हो, कलर डार्क वाला फॉन्ट हम लेंगे, और आप चाहो तो इसको दूसरा फॉन्ट भी दे सकते हो, हालांकि मैं इसमें दूसरा फॉन्ट दूंगा। थोड़ा सा मैं इम्पैक्ट फॉन्ट या फिर ये वाला फॉन्ट दूंगा, क्योंकि ये मेरा हेडिंग है तो मुझे इसको बोल्ड करना है। थोड़ा डार्क ग्रीन के ऊपर फोकस करेंगे राइट अलाइनमेंट के साथ। टर्न योर गार्डन, मेरा स्मार्ट गाइड ऑन है ना, तो इसीलिए मेरा ये टर्निंग में मतलब मैं जो हेडिंग है उसको मैं थोड़ा इन्हेंस करूँगा। अभी देखिए इसके बीच में गैप है, छोटा सा पार्ट है, मगर एक गैप कम करने से ये अच्छा सा आपका एक अलाइनमेंट हो जाएगा। ये जो लोगो है इसको आप कर दो एक ग्रुप, इसका नाम दे दो लोगो, और लोगो के साथ इसको सिलेक्शन करके हमारा ओके सॉरी एक गलती हो गया, ये वाला शेप जो है ये नहीं आएगा, ये वाला आएगा, तो ये मेरा चला जाएगा ऊपर और लोगों के ग्रुप के अंदर ये वाला चला जाएगा। ये हो गया यहाँ पे और ये लोगों के साथ हो जाएगा अलाइनमेंट परफेक्ट। देख रहे हैं ये आपस में लग रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा हेंस करेंगे, थोड़ा सा गैप इसके अंदर बढ़ा के। देखिए मेरा जो एक लोगो, लोगो के साइड में मेरा ये जो है हेडिंग हो गया। फॉन्ट चेंज करके मैं देखता हूँ कि कौन सा फॉन्ट मेरा अच्छा लग रहा है। इसका मैं अगर कैप्स में करता हूँ तो भी मेरा गार्डन वाला पार्ट थोड़ा बड़ा करते हैं, क्योंकि वही मेरा फोकस है। स्पेस वाला पार्ट को छोटा रखते हैं ठीक है, और स्पेस और टर्निंग का कलर जो है वो थोड़ा लाइट देते हैं, ताकि मेरा गार्डन वाला पार्ट ऑटोमेटिकली एनहांस आ जाए ठीक है, और इसके बीच में गैप थोड़ा कम करते हैं। हो गया, गार्डन वाला पार्ट थोड़ा ब्लैक जैसा लग रहा है, तो मैं थोड़ा इसको ग्रीन दूंगा ताकि मुझे समझ में आ जाए, मगर मेरा जो टर्निंग योर स्पेस है इसको मैं थोड़ा सा गैप के साथ देना पसंद करूंगा। तो इससे क्या हो गया, ये मेरा हेडलाइन हो गया, क्योंकि हेडलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एड। ये जो टेक्स्ट कंटेंट हम लिए हैं ये कोई कॉपी राइटिंग स्किल के हिसाब से नहीं लिया है कि यही हेडलाइन अच्छा रहेगा, मैं डिज़ाइनिंग पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि हेडलाइन को किस तरीके से आप प्रेजेंट करो। आपका जो कॉपी राइटर होगा वो आपको डिसाइड करके देगा कि एग्जैक्टली हेडलाइन क्या होना चाहिए। नेक्स्ट हम चले जाते हैं हमारे टेक्स्ट कंटेंट की तरफ। ये हमारा एक छोटा सा सब हेडिंग है जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये कैप्स पे नहीं होगा, और ये होगा रेगुलर पे, और ये बहुत ही छोटा होगा। तो इसको सबसे छोटा करने से पहले बिल्कुल छोटा सेंटर अलाइनमेंट इसको हम देखेंगे, ये बहुत ब्लैक जैसा लग रहा है, कैनवास के साथ सेंटर अलाइनमेंट जाएगा, और इसको कितना डिवीजन पे लिख सकते हैं, और ये गैप आएगा कम, और कलर आएगा ब्लैक, क्योंकि ये मेरा सब हेडिंग हो गया। प्लेसिंग कैनवास के साथ सेंटर अलाइनमेंट, और इसको थोड़ा सा ये हो गया। तो मेरा ये एड कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि ये मेरा हो गया लोगो, कौन सी कंपनी का एड है, ये हो गया मेरा हेडिंग, किस पर्पज़ से आप इसको खरीदोगे, ये हो गया सब हेडिंग, इसका क्या बेनिफिट्स है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉल टू एक्शन, मतलब ये सारा चीज़ करने के बाद आप क्या करोगे, दैट इज़ बाय नाउ, शॉप नाउ, इस तरीके का कुछ चीज़ है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक राउंडेड रेक्टेंगल शेप लेंगे और यहाँ पे एक अच्छा सा बटन बनाएंगे। ये बटन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर बेस करके आपका बाइंग बिहेवियर जो लोगों का होगा वो बढ़ेगा। फिलहाल इसका साइज ऐसे ही रखते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम शॉप नाउ, ठीक है, इसका इसको हम देंगे बोल्ड, कलर देंगे व्हाइट और इसको ले आएंगे इसके ऊपर, साइज करेंगे थोड़ा सा बड़ा। ये वाला और ये वाला जो है पार्ट, इसको सेंटर कैनवास के साथ नहीं, सिलेक्शन के साथ सेंटर अलाइनमेंट होगा। अब आपका जो रेक्टेंगल है इसको आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हो। मैं ऊपर से थोड़ा छोटा करूँगा ताकि मेरा क्रीम मेरा बटन लगे। अब इसको सेंटर अलाइनमेंट दोबारा से करूँगा। अब मेरा जो बटन है वो क्रीम लग रहा है, हाईलाइटेड है, बड़ा है। शॉप नाउ इसी पेर के पहले मैंने दिया क्योंकि मुझे इसी को हाईलाइट करना है और इसी को मुझे दिखाना है। और हमारा नेक्स्ट एक छोटा सा ऑफर है जिसको आप हाईलाइट कर सकते हो, दैट इज़ गेट अप टू 30% ऑफ, दैट इज़ वन ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी। तो इसके लिए मैं ये हेडिंग वाला फॉन्ट लूँगा क्योंकि यहाँ पे मेरा एक ऑफर चल रहा है और इसको मैं पेस्ट करूँगा। 30% वाले का कलर जो है वो मेरा ये गार्डन वाला जाएगा। ऑफर 30% ऑफ है तो 30% को मैं थोड़ा हाईलाइट करूँगा, गेट अप टू को मैं थोड़ा छोटा रखूँगा और ऑफ मेरा ऐसे ही जाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से प्रेजेंट करूँगा। इस तरीके से इसको और थोड़ा सा छोटा रखते हैं ताकि मेरा जो पार्ट है वो थोड़ा और छोटा हो जाए। परफेक्ट। सेकंड, मेरा ये जो ऑफ वाला पार्ट है इसको हम करेंगे व्हाइट। अभी देखिए ऑटोमेटिकली जो ऑफ है वो हाईलाइट हो गया, जो 30% है उसको करेंगे ब्लैक, ये भी हाईलाइट हो गया। मेरा ऐड का मकसद फुलफिल हो गया। मेरा इसको देख के आपको सिंपली सीधा सीधा आपका डायरेक्शन जो है वो 30% पे सबसे पहले जाएगा, सब हेडिंग पे नहीं जाएगा, उसके बाद शॉप नाउ और उसके बाद हेडिंग पे जाएगा, जो मेरा मकसद है, जो कस्टमर जर्नी थ्रू दिस ऐड में लेके जाने वाला हूँ कि सबसे पहले ये ऑफर की तरफ जाए, उसके बाद कंपनी वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास 3 सोशल आइकन है जो बहुत ज़रूरी है एक सोशल मीडिया ऐड के लिए क्योंकि वहाँ पे भी लोग जाके देखते हैं। तो सबसे पहले इन सब को डुप्लीकेट कर लेते हैं हम हमारे फाइल पे। तीनों आ गया, तीनों को हम सबसे पहले अलाइन करेंगे कंट्रोल टी करके। तीनों का साइज सेम होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मेरा सेंटर अलाइन पेज पे जाएगा कैनवास के साथ। अब तीनों को कर देंगे हम ग्रुप और ये ऊपर वाला पार्ट है, सॉरी ये मेरा सेकंड वाला पार्ट है और ये मेरा आखिरी वाला पार्ट है। सबसे पहले तीनों को आप सिलेक्शन करके कर दो सेंटर अलाइनमेंट। गैप इनके बीच में सेम होना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप को हम करेंगे कैनवास के साथ सेंटर अलाइनमेंट बिल्कुल सेंटर पे और तीनों का कलर हम करेंगे ये वाला ग्रीन के साथ। मगर देखते हैं ग्रीन वाला कैसा दिखेगा। ये ग्रीन वाला मुझे ऐसे दिख रहा है, ठीक है ना। तो फिर मेरा ब्लैक ही सही है।
आप या तो ब्लैक रख सकते हो या तो फिर वाइट बैकग्राउंड के साथ रख सकते हो। तो ये मेरा हो गया एक सोशल मीडिया के लिए डिज़ाइनिंग तैयार सिंपल क्रीम। इसमें हम सीखेंगे कि हमने सीखा जो जो मेरा मेन मकसद था जो आप लोगों को इसमें सीखना है। हाँ, टाइमिंग जो है मेरा थोड़ा फर्स्ट मैंने डिज़ाइन करके दिखाया, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। इमेज किस तरीके के साथ चूज कर सकते हो, कॉल टू एक्शन देना बहुत ज़रूरी है, कहाँ से कहाँ तक आप कस्टमर को ले जाना चाहते हो। ये जब सोशल मीडिया पे ऐड आएगा तब शॉप नाउ पे क्लिक करने पर वो डायरेक्टली आप कंपनी को वेबसाइट पे थ्रू जाते हो। मैंने पहले ही बोला था ये एक ई कॉमर्स पोर्टल के लिए ऐड है, तो इसमें दुकान का एड्रेस फ़ोन नंबर नहीं चाहिए, लोग फ़ोन नहीं करेंगे, डायरेक्टली ऑफ़र देखेंगे और उसको बाय करेंगे। ऑफ़र देखने से पहले अगर नए लोग हैं, जो लोग प्लांट्स लवर हैं, जो नेचर लवर मेरा कंपनी, उसका मकसद है लोगों के पास आप इसको लेके जाओ, तो ये ऐड के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ये ऐड पहुंचेगा, लोग देखेंगे, पसंद आता है, शॉप नाउ करेंगे, बिंग ऑन, आपका मार्केटिंग का काम ख़त्म। एज ए डिज़ाइनर आपको हमेशा इस तरीके के ऐड के लिए मार्केटिंग गाय के साथ बैठ के डिज़ाइनिंग को सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनका मकसद क्या है और उनके साथ बैठ के कॉपीराइटर के साथ बैठ के टेक्स्ट कंटेंट कैसा रहेगा, ये सारा चीज़ें करके फिर आपको इसमें डिज़ाइनिंग एलिमेंट ऐड ऑन करना पड़ेगा। आशा रखते हैं कि आप इस डिज़ाइनिंग से बहुत कुछ लर्निंग आपको मिला होगा। कमेंट करके बताइए वीडियो को कैसा लगा, कहाँ आपने टेक अवे लिया, क्या सीखा, क्या गलती लगा, इस तरीके का काम पहले आपने कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं, अगर किया है तो कहाँ पे आप अटकते हो, जहाँ पे मैं आपको हेल्प कर सकूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ज्वाइन कीजिए मेरे प्राइवेट फेसबुक ग्रुप में, जहाँ पे आप फ्री में बहुत ज़्यादा लर्निंग ले सकते हो। आप मेरे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो डिज़ाइनिंग करियर रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर डिज़ाइनिंग रिलेटेड एनी अगर आपके पास कोई क्वारी है तो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक नए वीडियो में, टाटा।